हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राई एंगल। तो ट्राई मतलब थ्री, एंगल तो कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें तीन एंगल्स हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और वो तीन एंगल होने के लिए उसके पास तीन साइड्स का होना भी जरूरी है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई एक ज्योमेट्रिक फिगर जिसके पास तीन क्लोज साइड्स हैं उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों तीनों तरफ से ये साइड्स आपस में क्लोज्ड हैं, ठीक। अब बात करते हैं ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन की। तो ट्रायंगल को दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, या तो उसके साइड्स के बेसिस पे या फिर उसके एंगल्स के बेसिस पे, ठीक। तो अगर हम उसके साइड के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करें तो उसको फिर हम स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो स्केलेन ट्रायंगल वो हुआ जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल की। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हुआ जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक। तो अगर इसका दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन देखें तो उसको एंगल्स के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक। अगर एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स एक्यूट हों तो उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, यानी उसके जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो उसको हम एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक। अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में है, यानी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसको हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री पे हो तो उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। तो इस टाइप से ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो बात करते हैं हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज की। तो जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी जो एक ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं 1, 2 और 3। तो इन एंगल्स का टोटल जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी की, जिसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एंगल 4 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। और जरूरी नहीं है एक्सटीरियर एंगल इसका इसी डायरेक्शन में हो, ये एक्सटीरियर एंगल इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो एंगल्स होंगे उस ट्राइंगल के उनके सम के इक्वल होगा वो एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एंगल 4 यहां ना होके इस तरफ होता इस डायरेक्शन में तो इसके अपोजिट एंगल होते ये वाले, तो तब ये एंगल 4 इक्वल टू होता एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली अगर ये इस डायरेक्शन में होता एक्सटीरियर एंगल तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है और इसकी साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अगर ऐसा हुआ तो इसके अपोजिट एंगल यानी बी एंगल एंगल सी के इक्वल होगा। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक। इसी टाइप से इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू होता है, ठीक। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर है तो इस एंगल क्यू के अपोजिट वाली साइड और इस एंगल आर के अपोजिट वाली साइड आपस में इक्वल होगी। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसके अकॉर्डिंग एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा उस ट्राइंगल का, ठीक। ऐसे ही सिमिलरली साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, तो इसका कन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू होता है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी,
तो पहली वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो अगर इसकी मान लो हमने सबसे बड़ी साइड मानी है एसी, तो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्राइंगल देखें एबीसी, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि एसी इसकी सबसे बड़ी साइड है और होगी भी क्योंकि हाइपोटेनस है, तो एसी अगर सबसे बड़ी साइड है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा इसका, तो यानी एंगल बी जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा ट्राइंगल एबीसी में। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर हम इसका उल्टा मान लें कि एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है तो जो एसी होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्राइंगल में। ऐसे ही अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो उसके अकॉर्डिंग एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो जो सबसे छोटी साइड है ट्राइंगल की उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो हमेशा सबसे छोटा होगा। इसी का कन्वर्स देखें तो साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो अगर कोई सबसे छोटा एंगल है ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी साइड होगी, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें पी क्यू आर, और अगर हम ये मान लें कि पी क्यू उसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा, यानी पी क्यू अगर सबसे छोटी साइड है तो एंगल आर सबसे छोटा एंगल होगा। इसी का अपोजिट भी जो होता है कन्वर्स भी एकदम ट्रू होता है, अगर एंगल आर सबसे छोटा एंगल है इस ट्राइंगल का तो पी क्यू इसकी सबसे छोटी साइड होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।